हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रात के 12:44 यानी पौने एक हो रहे हैं और मैं अनुराग जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का, जिसमें से हम लोग सेक्शन नंबर 12 पढ़ रहे थे, ड्रग एक्टिंग ऑन GIT। उसमें कुल 4 चैप्टर थे और चौथा चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है सेक्शन चैप्टर नंबर 45, जिसमें हम एंटासिड्स और एंटी अल्सर ड्रग के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एंटासिड क्या होता है, इसका डेफिनेशन की बात करें। बाकी आपको पता है फ्रेंड, हमारा स्टमक जो होता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, जिसको गैस्ट्रिक SCL भी कहते हैं। और वो इतना रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन उसी के द्वारा होता है। अगर वो, क्योंकि वो जो एसिड रिलीज होता है वो काफ़ी एसिडिक नेचर का होता है, उसका pH बहुत कम होता है, तो अगर वो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में निकलने लगे तो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड होने के कारण एसिडिटी होने लगती है। और वो एसिडिटी समय कच्ची टकारें आना या जलन होना का भी प्रॉब्लम हमारे पेट में हो सकती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम जो ड्रग या केमिकल यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटासिड। क्या बोलते हैं उसको, एंटा एसिड या एंटासिड्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे फ्रेंड, एंटासिड्स आर दो सब्सटेंस और रेजेंट विच न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड और रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन टू स्टमक एंड रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टमक। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एसिडिटी कैसे काम करेंगे, एंटासिड दो तरीके से काम कर सकते हैं फ्रेंड। पहला तरीका ये है कि या तो वो एसिड का सिक्रीशन जो बढ़ गया है उसको घटा दे। तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन को घटा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा फ्रेंड हो सकता है कि हमारा जो भी एसिड बन चुका है ऑलरेडी उसको न्यूट्रल कर दे। तो न्यूट्रल करने का तरीका फ्रेंड क्या होता है कि एसिड का रिएक्शन जब भी हम बेस से कराएंगे तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो हम बेस यूज करेंगे, तो उस बेस जैसे पेट में हमारे से डाइजिन सिरप होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे बेस हमारे पेट में जाएगा एसिड को शांत कर देगा, यानी आग जल रही है पानी का छींटा मार दो आग बुझ जाएगी, कुछ ऐसा ही काम करते हैं हमारे एंटासिड्स। तो एंटासिड का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको फिर से चाहे तो लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो क्या क्या एक आइडियल प्रॉपर्टी एंटासिड में होनी चाहिए, हम उसकी बात कर लें। तो कुछ 3-4 प्रॉपर्टी है फ्रेंड। पहली प्रॉपर्टी है कि वो हमारा न्यूट्रलाइजिंग एसिड होना चाहिए, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे और वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि वो एसिड में जाकर डिजॉल्व हो जाए, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, इट शुड नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो पेट पर जाके CO2 गैस रिलीज ना करे, क्योंकि CO2 गैस जब रिलीज करेगा तो वो CO2 गैस H2 के साथ रिएक्शन करके फिर से H2CO3 बना लेगा, और H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड ऑलरेडी एक एसिड होता है, तो एसिड की मात्रा को बाद में फिर से बढ़ जाएगी, इसलिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ को वो CO2 रिलीज ना करे। तीसरी फ्रेंड की बात करें तो वो शुड नॉट बी एब्जॉर्ब, भी हमारे पेट में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, वो अपना काम करे और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। और चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि इट शुड नॉट प्रोड्यूस आइदर लग्जेटिव और कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट, उसके यूज़ करने से पेट में कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट या लग्जेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसका काम जो है बस वही करे, उसके अलावा उसको कोई काम मत करे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन एंटासिड की बात की जाए तो देखो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम उसके एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे काम कर सकते हैं और दूसरा उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है वो सिस्टेमिक है, और जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो नॉन सिस्टेमिक है। तो सिस्टेमिक एंटासिड की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉन सिस्टेमिक की बात करें बेसिकली ये बेस होते हैं सारे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बिस्मथ साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, सोडियम CMC कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कि किस तरह से काम कर रहा है, तो अगर एब्जॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है यानी HCl को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है और CMC है, और एक नॉन एडजॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है उस पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बिस्मथ कार्बोनेट है और कैल्शियम फॉस्फेट है। तो आप क्या करना है फ्रेंड, सारे कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में APC IPC पढ़ा था, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें सबके बारे में आपने पढ़ा था, बस उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको लिखना है। जैसे सामने देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैसा होता है, क्या काम करता है, कैसा एक्शन देता है, आप स्क्रीनशॉट लेके 4 लाइन लिखिए इसके बारे में। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, कितना अमाउंट में दिया जाता है, कैसा नेचर होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट दीजिए फ्रेंड्स, लिखिए इसको आसानी से। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में खुद से लिखना है आपको, बिस्मथ साल्ट के बारे में खुद से लिखना है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में खुद से लिखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर लिखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो इसके बारे में आपको खुद से लिखना है, ऑलरेडी आपको सब पता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एंटी अल्सर ड्रग की, ये थोड़ा सी समझिए। एंटी अल्सर ड्रग से जानने से पहले आपको नाम से लग रहा है एंटी अल्सर, यानी अल्सर को जो ठीक करे वो एंटी अल्सर, ओके, क्योंकि अल्सर का क्या लग गया फ्रेंड, एंटी लग गया। तो जो ऐसी ड्रग जो अल्सर को ठीक करे उसे क्या बोलते हैं, एंटी अल्सर। तो एंटी अल्सर ड्रग फ्रेंड आपको जानने के लिए जानते हो कि अल्सर क्या होता है। देखिए, जब हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है
तो क्या होता है, देखिए हमारे पेट अगर आप समझिए ध्यान से, तो पेट के अंदर दो लेयर होती है। सबसे बाहर की ओर म्यूकस लेयर होती है, यानी पेट की इनर दीवार की तरफ, अंदर की तरफ दीवार की तरफ, और बाहर अंदर की मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो होती है वो ऑक्सेंटिक लेयर होती है। तो ऑक्सेंटिक लेयर से एससीएल निकलता है, गैस्ट्रिक एससीएल, और म्यूकस लेयर से क्या करता है वो एससीएल, क्योंकि म्यूकस एक वैसलीन की तरह पतली लेयर होती है, फैट की तरह, जो म्यूकस जो लेयर होती है ये एसिड को स्टमक की वॉल से टच होने से रोकती है, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक होता है। अगर वो हमारे पेट में स्टमक की वॉल को टच करेगा तो बहुत ही सीवियर पेन होता है। अगर किसी कारण से एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए और म्यूकस की मात्रा कम हो जाए फ्रेंड, और एसिड कहीं कहीं पे म्यूकस की लेयर इरोज हो जाए, कट जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो जब म्यूकस की लेयर कट जाती है तो एसिड डायरेक्ट हमारे स्टमक के वॉल को टच करता है, तो इस केस को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर पे फ्रेंड एक मेरी लॉन्ग एक बड़े अच्छे लेक्चर पे वीडियो बनी हुई है, आप इसको सर्च करके पेप्टिक अल्सर डालिएगा यूट्यूब पे, पेप्टिक अल्सर केसीएल ट्यूटोरियल, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब अल्सर को दूर करने के लिए हम जो दवाएँ देते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स। तो एंटी अल्सर ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी एंड ट्रीटमेंट फॉर अल्सर इन आवर स्टमक। तो अब फ्रेंड कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, देखिए एक तो पहले घाव हो गया उसको दूर करने के लिए अल्सर हो गया, एक होता है H2 रिसेप्टर, हमारे पेट में एक H2 रिसेप्टर होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ये एसिड के रिलीज को बढ़ाता है। तो अगर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो हम आसानी से एसिड के रिलीज को घटा सकते हैं और अल्सर पर फायदेमंद करेगा। तीसरा फ्रेंड क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है। तो प्रोटॉन पंप क्या होते हैं कि प्रोटॉन पंप से जब ये चालू होता है तो प्रोटॉन आयन अंदर जाते हैं, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, सोडियम आयन बाहर जाते हैं, तो जिससे हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ती है। तो प्रोटॉन पंप चलेगा तो भी एसिडिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन रिसेप्टर काम करेगा तो भी एसिडिटी बढ़ेगी। तो हम किसी तरह से अगर इन दोनों को रोक दें तो एसिडिटी को हम घटा सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लासिफिकेशन की बात आते हैं, तो पहला एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो एसिटाइलकोलाइन के रिलीज को हटाएगा, जैसे कि बेलाडोना और पिनर्जिपिन। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि जैसे ही H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका एसिड का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इस पर कौन से आते हैं आपको याद, तो आप एसीलॉक मार्केट में आता है ना, एसीलॉक, रेंटेक, वो सब रेनिटिडीन होता है, तो उस पर बेसिकली क्या होता है, रेनिटिडीन, साइमेटिडीन और फोमिटिडीन। तो H2 वाले में टिडीन आते हैं, ध्यान दीजिएगा टिडीन आते हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI में जोल आते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन कौन से हैं, मिप्राजोल, इसमुप्राजोल, लैंसुप्राजोल, रेंटोप्राजोल, रिमिप्राजोल, ये सब सारे किस्में जोल, जितने जोल वाले हैं वो PPI हैं, और जितने टिडीन वाले हैं वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और अगर घाव हो गया तो हम वहाँ पे सुक्राल फेट लगाते हैं, इस सिरप के रूप में आता है, तो वो अल्सर प्रोटेक्टिव है। और अगर अल्सर को हील करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या भरते हैं, कार्बन ऑक्सीलोन सोडियम भरते हैं। ये इतने हमारे क्लासिफिकेशन है एंटासिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड, लिख लीजिएगा। अब बाकी सब वही कहानी पहले की तरह, हमको ड्रग के बारे में लिखना है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में कौन कौन से आते हैं, पाइनेटजेपिन है क्या है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी। H2 में साइमेटिडीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा क्या काम है, रेनिटिडीन के बारे में जान लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे से आइए विंडो से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे ड्रग के नाम लिखे हैं, पेशेंट आ गए हैं, उनको थोड़ा मुझे दवा देनी है, तो आप लोग आसानी से फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आपको दवा के बारे में लिखना। ऑलरेडी मैंने इसकी इसकी कहानी, इसका सब कुछ मैंने आपको पहले समझा दिया है, स्क्रीनशॉट लिख के आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।